गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव ए स्वीट डे। टुडे वी लर्न इन चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 24। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। परीक्षा अध्ययन का पेज नंबर है 88, इस पर क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन में बोल रहा है वो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 14 इंटीजर डिविजिबल बाय 6। आपको सम निकालना है फर्स्ट 14 इंटीजर का जो किससे डिविजिबल है, 6 से। वी नो दैट द इंटीजर ऑफ फर्स्ट 14 डिविजिबल बाय 6। कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 6, 12, 18, 24, 40 तक। हियर फर्स्ट टर्म क्या होगा, 6, बी क्या होगा, 12 - 6 = 6, और एन की वैल्यू क्या होगी, 40। सो एसएन का फॉर्मूला लगा दिए, एन की जगह 40 है, 40 by 2, 2 + 40 - 1 d, क्योंकि कॉमन डिफरेंस भी कितना होगा, 6 होगा। एस 40 निकालेंगे, 4 20 12 + 39 = 6। एस 40 20 12 6 9 = 44, कैरी 5 60 = 18 और 5 = 23। एस 40 = 20 × ये कितना हो जाएगा, 256 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 26 + 12 + 1 = 9 = 2। तो इस तरीके से आप फर्स्ट 14 इंटीजर के सम डिविजिबल बाय 6 का निकाल सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 मल्टीपल ऑफ 8। सम निकालना है फर्स्ट 50 मल्टीपल ऑफ 8 का। वी नो दैट फर्स्ट 50 मल्टीपल ऑफ 8 यानी 8 का टेबल, 8 × 16 × 3 = 24 × 15 टर्म तक। हेयर ए क्या होगा, यहाँ एट होगा, बी क्या होगा, 16 - 8 = 8 होगा, एन की वैल्यू कितनी होगी, 50। ऐसे का फॉर्मूला लगा दिया, एस 15 × 2 = 16 + 14 = 112। ये कितना हो गया, एक करोगे तो 128। इन दोनों का सम करोगे तो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा, 26 + 24। एस 15 × 15 = 60 = 96। दैट इज द आंसर। एस फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 के 15 टर्म्स का सम कितना होगा, 960। बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसका, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 to 15। 0 to 15 तक सम निकालना है ऑड नंबर्स का, 0 से 15 टर्म्स का। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 26। वी नो दैट द ऑड नंबर between 0 to 15
is 1, 3, 5, 7, 2, 49. यार सबसे पहले तो मैं एन निकाल रहा हूँ क्योंकि 0 से 50 तक कितने ऑड नंबर से ये हमें पता नहीं है। ए कितना हो गया 1, बी क्या हो गया 3-1, 2 और लास्ट टाइम कितना हो गया 49। लास्ट टाइम का फॉर्मूला लगा दिया 1 + 49 = 2 - n - 1 - 2 हो जाएगा। ये कितना हो गया 48 तो n माइनस वन क्या हो जाएगा 48 / 2 माइनस का वन निकलता रहेगा तो प्लस का यानी कितने ऐसे टर्म है 25। अब इन 25 टर्म्स का सम निकालेंगे हम नाउ एस 25 - 1 = 2 हो जाएगा एस 25 - 2 = 50 उसे इसको काटा 25 टाइम्स ये कितना आ गया 6.20 दैट इज द आंसर। इस तरीके से हम हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स का सम और नंबर ऑफ टर्म को फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको 5th चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको 5th चैप्टर में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे वाई कॉल या स्कूल वाले के रूप में आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आज हमारा 5th चैप्टर एंड होता है, कल से हम स्टार्ट करेंगे इसका 8th चैप्टर। ठीक है, कल से पहले हम ट्रिग्नोमेट्री निपटाएंगे, 8th चैप्टर करेंगे। 8th चैप्टर पूरा जब एक साथ हो जाएगा तो एक साथ में पूरे चैप्टर के आपको नोट्स भेज दूंगा। आज जो भी 5th चैप्टर के नोट्स बचे मैं आज ही आपको 5th चैप्टर के सारे कंप्लीट नोट्स करके दे दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ सी डे।